भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद स्थली जिला कारागार पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं उस पवित्र स्थली को नमन कर अपनी श्रद्धा सुमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह की शहादत दिवस है। इन बलिदानियों ने अपना जीवन का त्याग अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के खिलाफ व देश को दासता से मुक्त करने के लिए किया था। देश के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा और अटूट भक्ति करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। काकुरी कांज के महानायक अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह जी ने अपना जीवन देश सेवा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम सभी को इनके त्याग और बलिदान के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। जब जब देश पर संकट आया है, मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके अस्मिता बचाई है। वीर सपूतों के बलिदान दिवस पर हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, इसके पीछे इन महापुरुषों का बलिदान है। यदि ये महापुरुष नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। काकुरी कांज के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत के युवाओं को एक नई दिशा और आयाम दिया कि देश हित से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। हम आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर विधायक सहजन व प्रदीप शुक्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, रणविजय शाही, शशिकांत सिंह, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, प्रेमनाथ शुक्ला, विश्मिल नगर मंडल अध्यक्ष आनंद अग्रहरी, राप्ती नगर मंडल अध्यक्ष अजय मणि त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर चंद, कृष्ण कुमार, गौरव तिवारी, निखिल मोटानी, विष्णु श्रीवास्तव, मंतालाल यादव, अनिल शर्मा, रंजन कुमार श्रीवास्तव, मीरा दुबे, प्रशांत सिंह, डीएन यादव, अमित सिंह, सूर्यवंशी, शिशिर वर्मा, अमृतलाल भारती, अमित दुबे, रामगति निषाद, विकास राय, दादा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बस्ती जनपद से हमारे आर्यवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, वंदे भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, बिस्मिल तेरा यह बलिदान एक
अध्यक्ष जी और थोड़ा सा उधर रहिए, मोबाइल आगे से मोबाइल जो लिखे थे ना सब हाथ से लिखे थे, तो हम बहुत एक साथ मिला दिया ना, हाथ चारों तरफ लिखा था, लिखा था एक साथ मिला दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के इस शहादत दिवस पर सर्वप्रथम हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही के दिन इसी जिला जेल में उनको फांसी दी गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को आज ही बलिदान किया था। आज इस शहादत दिवस पर हम लोग इस जिला जेल में आकर के उनको शहादत करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। क्या कहें उनके बारे में? उनके बारे में एक आदर्श हैं। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे इस नौजवान वीरों ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस देश की जनता, इस देश की युवा पीढ़ी इनसे अपने इनके चरित्रों पर चल करके देश के विकास की भागीदारी बनेगी। आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी इस देश की भविष्य बनेगी। जिस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस देश को आज़ाद कराया था, उसी तरह से युवा पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगी। यही इनके बलिदान दिवस से आज हम सबको सबक मिल रही है। आज ही के दिन भारत माँ के अमर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देश के लिए बलिदान दिया था। आज के दिन गोरखपुर के जिला जेल में उनकी फांसी हुई थी और शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, वो एक देश के नागरिकों के लिए, देश के युवाओं के लिए एक तीर्थस्थल होता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो चार महीना पहले जहां जेल में जिन कमरों में रहते थे उन तीन चार कमरों को भी और जहां उनकी फांसी हुई थी इन सबको आज पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके देश के नागरिकों के लिए, देश के युवाओं के लिए उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप से एक पर्यटन के रूप में विकसित किया है। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं जो आकर के अपने शहीद का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनका उनके कोठरी में जहां वो निवास करते थे, जहां से जा करके उनकी फांसी हुई थी, उन सबको तीर्थस्थल के रूप में आकर के यहां दर्शन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मां भारती के लिए जो बलिदान दिया है उनसे प्रेरणा लेकर के हर देशभक्त, हर विद्यार्थी जो यहाँ आएगा उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा, भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने के लिए काम करेगा। मैं आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और सभी देशभक्त नागरिकों की तरफ से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।